जनपद चमोली में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 10वें दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। बता दें कि कार्य बहिष्कार करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार सरकार को मानदेय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल उनके पक्ष में नहीं की गई। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जब तक उनकी 5 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह ये आंदोलन करती रहेंगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। अभी तक तो कुछ भी सकारात्मक रवैया सरकार का हमारे प्रति नहीं है और हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जल्दी से अपने काम पे लौटें, लेकिन जब मांगे पूरी नहीं हो तक हम अपने काम पे नहीं लौटेंगे। हम हर कार्य का बहिष्कार करेंगे, जो भी सरकार हमारे लिए काम देती है हम नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार देखा गया है कि जब भी मतलब कोई भी काम होता है सिर्फ आंगनबाड़ी नज़र आती है, और जब मानदेय बढ़ाने वाली बात आती है तो आंगनबाड़ी का कहीं भी नाम नहीं आता है। तो जब तक हमारा 18,000 रुपये मानदेय नहीं हो जाता, हम तब तक नहीं उठेंगे।